हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूफ दैट द गिवन आइडेंटिटी वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्स आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। तो देखो, हमें एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस लाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एल एच एस ले लेते हैं। अब देखो बच्चों, इसको हम लोग क्या करेंगे, रेसलाइज करेंगे। तो रेसलाइज न्यूमिनेटर के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। अब न्यूमिनेटर में कितना लिखा है बच्चों, 1 प्लस साइन ए, तो इसी से ऊपर नीचे क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। वन प्लस साइन ए। अब देखो ये क्या है, दोनों सेम है ऊपर, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये अपने पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, एक जैसा ना, तो स्क्वायर चढ़ेगा। ये क्या है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब देखो ये, इसको ऐसे ही रखते हैं, अब देखो वन माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर। अब देखो ये अंडर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा दोनों से, तो जैसे ही तुम कैंसिल करोगे कितना बचेगा अपने पास, वन प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। याद है ना अपनी आइडेंटिटी, हम लोगों को याद करवाई गई है टेंथ में होती ना, वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कौन सा जाता है, कॉस स्क्वायर ए। तो इसका यूज कर लो यहाँ पे, ठीक है, अंडर रूट तुम्हारे स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब देखो इसमें ये लिखा है, तो देखो किसी भी चीज को चाहे, अगर ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में है तो हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, पहले वन अपॉन में डिनोमिनेटर, फिर न्यूमिनेटर, फिर डिनोमिनेटर। अब देखो वन अपॉन में कॉस ए कितना हो जाएगा अपने पास, sec ए। साइन अपॉन में कॉस ए कितना हो जाएगा अपने पास, टेन ए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, sec ए प्लस टेन ए।